नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन फल मंडी से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन फल मंडी की इस वक्त देख सकते हैं कि सेब सोलन फल मंडी में अब काफ़ी कम मात्रा में पहुंचना शुरू हो चुका है। मैक्सिमम दुकानों में बहुत ही कम अब सेब की आपूर्ति हो रही है। कुछ एक दुकानों में बोलियाँ लगी हुई है, लेकिन बोलियों में अब उस तरह के जो डिमांड सोलन फल मंडी में सेब की थी उस तरह की नहीं रही है। कारण है कि ज़्यादातर जो लदानी यहाँ पर सेब की खरीद के लिए दूसरे राज्यों से पहुँचे हुए थे, मैक्सिमम यहाँ से चले गए हैं अपने राज्यों की। और जब से कश्मीर का सेब देश भर की मंडियों में पहुँचना शुरू हुआ है, तब से सोलन के में जो सेब की थोड़ी डिमांड है वो काफ़ी कम हो सकती हो गई है। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि अब जो पिकअप और गाड़ियाँ यहाँ पर बड़ी संख्या में खड़ी रहती थी, अब नाम मात्र की ही गाड़ियाँ अब मंडियों में पहुंच रही है। कारण है कि शिमला जो हाइट का सेब चला था उससे जल्द ही उसका सीजन यहां पर ख़त्म हो गया है। कारण है कि इस बार जो सेब का उत्पादन था वो काफ़ी कम था। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार काफ़ी कम सेब का उत्पादन सोलन हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और करीब आधा उत्पादन ही इस बार हुआ है। और यही वजह है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि बड़ी कम मात्रा में सोलन फल मंडी में अब सेब की आपूर्ति हो रही है। किन्नौर और अपर शिमला का सेब यहाँ पर पहुँच रहा था। किन्नौर का सेब सोलन फल मंडी में काफ़ी महंगा एक समय बिका, 100 से 160 रुपए तक भी किन्नौर के सेब के भाव रहे हैं। लेकिन अब किन्नौर के सेब के भाव भी अब लगातार गिरते जा रहे हैं। और हाइट का जो सेब है वो 80 और 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का इस वक्त बिक रहा है। लेकिन आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि कुछ एक दुकानों में अब सेब की आपूर्ति हो रही है। मैक्सिमम में अब कारोबार लगभग ख़त्म हो चुका है। कारण है कि जो सेब का इस बार उत्पादन हिमाचल प्रदेश में हुआ है वो पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी कम हुआ है। और ये आधा ही माल इस वक्त सोलन फल मंडी में इस वक्त पहुंचा हुआ है। तस्वीरें आप सोलन फल मंडी की देख सकते हैं कि यहाँ पर अब बोली लगी हुई है। बोलियाँ बड़ी संख्या में बागवान यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन बागवान जिस उम्मीद के साथ सोलन फल मंडी में पहुंच रहे हैं कि उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे, ऐसा देखने को नहीं मिला है। और क्योंकि इस बार किलो वाला सिस्टम लागू हुआ है, किलो के हिसाब से सेब की यहां पर बिक्री की जा रही है, उसकी वजह से भी बागवानों को और जो लदानी है लदानी बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। और यही वजह है कि जैसे ही कश्मीर का सेब शुरू हुआ तो लदानियों ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया। कारण था कि कश्मीर का जो सेब है वो किलो के हिसाब से नहीं बल्कि पेटियों के हिसाब से बिक रहा है, और किलो के हिसाब से सेब की खरीद करने में उन्हें यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बीच में हमने देखा कि किस तरह से एक दिन की स्ट्राइक लदानियों ने यहाँ पर की थी, और उनका कहना था कि जो किलो के हिसाब से सेब बेचा जा रहा है उसकी वजह से उन्हें काफ़ी घाटा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हर पेटी का वजन नहीं किया जा रहा है। कई पेटियों में माल बहुत ही ज़्यादा कम था, तो कुछ में थोड़ा ज़्यादा भी था, एक एवरेज लगाई जाती थी, तो किसानों को भी वो बारा नहीं खा रही थी कि कोई पेटी 35 किलो की, कोई 30 किलो की, कोई 33 किलो की, कोई 27 किलो की है। और एक एवरेज जैसा निकाला जाता था किलो का, जैसे 35, 33 और 30 किलो का हो जाएगा तो 5 किलो का एक जगह घाटा हो जाएगा। तो इस तरह की स्थितियां यहां पर बनी हुई थी, तो जिसकी वजह से बागवानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था किलो वाले सिस्टम में। और अब स्थिति ये आ गई है कि अब सोलन फल मंडी में अब जो बोलियाँ हैं वो किलो के हिसाब से नहीं बल्कि पेटियों के हिसाब से लगनी शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरह की व्यवस्था की गई थी कि किलो के सिस्टम से सेब की खरीद की जाएगी, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि लदानी अब रहे नहीं हैं, बहुत कम हैं जो बचे हुए हैं। अब वो अपनी शर्तों के अनुसार ही माल खरीदना चाह रहे हैं, और यही और जबकि बागवान यहाँ पर माल लेकर आया हुआ है, जो आड़ती हैं उन्होंने माल को बेचना है, तो इस तरह की परिस्थितियाँ जो लदानी बचे हैं अगर वो सेब की खरीद नहीं करेंगे तो सेब यहीं पर पड़ा रहेगा। तो इसे देखते हुए अब किलो के हिसाब से नहीं बल्कि पेटियों के हिसाब से सोलन फल मंडी में अब बोलियाँ लगनी शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सोलन फल मंडी में जो सेब की आपूर्ति है अब लगातार कम होती जा रही है,
और इस वक्त हम देख सकते हैं कि 3 पिकअप यहाँ पर खड़ी हुई है और 2 पिकअप यहाँ है और 1 आगे है, तो 6 पिकअप में अब सेब यहाँ पर पहुँचा हुआ है। और इस तरह के और यही स्थिति दूसरे प्लेटफॉर्म की भी है, जहाँ पर गाड़ियों की 24 घंटे बड़ी संख्या में गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। और सेब के आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो सेब बिका है अब ट्रकों में लोड करके अब दूसरे राज्यों की मंडियों को सेब की आपूर्ति की जा रही है। तो सोलन फल मंडी की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं और सेब का जो अच्छी क्वालिटी का सेब है वो 80 से 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन फल मंडी में आज बिका है। और तस्वीरें सोलन फल मंडी की, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो तस्वीरें हैं कि कितना कम आपूर्ति अब मंडियों में सेब की हो चुकी है। बहुत सारी दुकानों में अब बोलिए भी लगनी बंद हो गई है, सेब नहीं पहुंच रहा है। और 5-7 दिन का सीज़न की बात रह गई है, ऐसा लग रहा है कि 5-7 दिनों का ही कारोबार अब सोलन फल मंडी में रह गया है। परमाणु में भी इसी तरह की स्थितियाँ हैं, क्योंकि और पूरे जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में इस बार जो सेब का उत्पादन है ये पिछले वर्षों की तुलना में इस बार काफ़ी कम हुआ है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन फल मंडी से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन फल मंडी की देख रहे थे, तो सोलन फल मंडी में अब सेब की आपूर्ति बहुत कम हो गई है। सेब की बोलियां अब काफ़ी सारी कम दुकानों में ही लग रही है, और जो सेब की बोली पहले लग रही थी किलो के हिसाब से अब वो बंद हो चुकी है, पेटियों के हिसाब से अब बोलियाँ लगनी शुरू हो चुकी है। जो कि प्रदेश सरकार ने जो एक व्यवस्था की थी कि किलो के हिसाब से ही मंडियों में सेब खरीदा जाएगा, अब उसको कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाया जा रहा है। और क्योंकि लदानी अब बहुत सारे कम हो चुके हैं, मैक्सिमम लदानी यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि कश्मीर का सेब चला हुआ है, और उसकी वजह से जो लदानी यहाँ पर बचे हुए हैं वो अपने हिसाब से अब सेब की खरीद करना चाह रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि किलो वाले हिसाब से उन्हें 12 नहीं खा रहा है। कश्मीर का जैसे ही सेब मंडियों में आना शुरू हुआ तो यहाँ से लदानी चले गए, क्योंकि वो पहले से ही परेशान थे किलो के सिस्टम से सेब की खरीद करने को लेकर। एक बार उन्होंने यहाँ पर विरोध भी किया था, लेकिन तो फिर सरकारी दबाव के चलते उन्हें अपने जो विरोध था वो वापस लौटना पड़ा उन्हें सेब की खरीद के लिए। लेकिन अब कश्मीर की ऑप्शन उनके पास आ गई थी, तो यहाँ से लदानी उन्हें जाना बेहतर समझा, और अब किलो के हिसाब से वहाँ पर नहीं बल्कि वहाँ पर पेटी के हिसाब से सेब की खरीद कर रहे हैं। और चंडीगढ़ और पंचकूला में भी पेटियों के हिसाब से सेब खरीदा जा रहा था। बहुत सारे बागवान अपना जो माल है चंडीगढ़ और शिमला की पंचकूला की मंडियों में भी भेज रहे हैं, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं इस बार सोलन फल मंडी पर पड़ा है। सोलन फल मंडी में जब तंबुओं में कारोबार किया जा रहा था तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में सेब की आपूर्ति हो रही थी। जब ये प्लेटफॉर्म बना है तो इस बार सेब की आपूर्ति भी काफ़ी कम हुई है हिमाचल प्रदेश में। हालांकि इस बार जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से भी सेब का उत्पादन कम हुआ, और जो बारिशें भी हुई उसकी वजह से भी सेब के जो उत्पादन है वो काफ़ी कम हुआ है। तो आज क्या रेट रहे हैं थोड़ा सा हम उसको बारे में आपको बताएंगे कि सोलन फल मंडी में सेब का आज क्या भाव रहा है। सोलन फल मंडी की ये तस्वीरें इस वक्त जनाब, और अखिल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। 47 नंबर आड़ है, बड़ी डिमांड इनकी रहती है। बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि 47 नंबर में क्या बोली चली हुई है। तो बोली तो यहाँ पर ख़त्म हो गई है, लेकिन पूछेंगे अखिल जी से, पूछेंगे कि आज क्या भाव सेव कर रहा है। जी अखिल जी, पंजाब की टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सेब की लगातार आपूर्ति अब कम होती जा रही है, लग रहा है कि तो एक हफ्ते का ही कारोबार रह गया उसके बाद। जी, तो क्या भाव चला हुआ है इसका? अभी जो शिमला के माल हैं वो लगभग क्लोजिंग वाले माल थोड़ा डाउन चल रहे हैं, पर जो थोड़े बहुत ठीक माल हैं वो 1800 से 2100-2200 तक बिक रहे हैं शिमला। किलो मतलब पर बॉक्स 28 के जी। अच्छा जी। और बाकी जो किन्नौर के माल हैं वो 28 केजी के हिसाब से लगभग 2500 से लेके 3200 रुपए तक की अभी डिमांड चल रही है। तो क्या लग रहा है कि कितने दिनों का बचा हुआ है? क्योंकि आपका तो एक लंबा शिमला, तो मुझे लगता है मतलब लगभग क्लोजिंग ही है, कोई 3-4-5 दिन, हफ्ता थोड़ा बहुत चलेगा। बाकी किन्नौर का शायद अभी लगता है 15 दिन मैक्सिमम लगाने चले गए हैं। जी जी। तो उसकी वजह से भी अब दिक्कतें आ रही है माल बेचने में? नहीं नहीं, माल बेचने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर सबके जैसे हैं वो चल ही रहे हैं। लदानियों को तो जो अभी जा रहे हैं क्योंकि कश्मीर शुरू हो गया है, कश्मीर में अभी अराइवल बढ़िया चल रहा है, तो अभी इधर तो माल भी एकदम क्लोजिंग की ओर है, तो व्यापारी टिक के क्या करेगा, अभी तो माल लगभग एंडिंग की ओर आ रहा है। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये अखिल जी थे जो बता रहे थे हमें कि क्या शिमला